चोरों को पुलिस का कतई खौफ नहीं। यही कारण है कि चोरों ने थाने से चंद कदम की दूरी पर एक गल्ला व्यापारी की दुकान को निशाना बना डाला। चोर ताला तोड़कर 5 बोरी चना और 2 बोरी मसूर ले उड़े। रामकुमार जैन द्वारा व्यापारी संगठनों के सदस्यों को सूचित किया गया। सभी व्यापारी एकत्रित होकर पुलिस थाना सिमरिया पहुंचे और आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इससे पहले भी सिमरिया थाने में कई रिपोर्ट दर्ज है, फिर भी पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है और चोर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गश्ती अब सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह चुकी है। चोरों के तो इतने हौसले बुलंद है कि पुलिस थाने के ही चंद कदमों की दूरी पर ही घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रखे बैठेगी या फिर अपनी हरकत में आकर चोर बदमाशों को सबक सिखा पाएगी या नहीं। उसे जैसे ही जानकारी हुई, हम व्यापारी संघ सब एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के मौका पे दुकान की स्थिति देखी, वहाँ से जो गल्ला गया हुआ उसमें आवेदन बना करके हम लोग थाने गए। थाने में हमने TI साहब को, थाना प्रभारी को आवेदन दिया। 13 तारीख की रात दरमियान मैं बंद करके दुकान अपने घर गया। सुबह जानकारी लगते ही कि ताले टूटे पड़े हैं, तो मैं अपनी दुकान में आया। 5 बोरी चना और 2 बोरी मसूर मेरे दुकान। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।